नमस्कार। आज मैं अनुपमा श्रीवास्तव फिर एक नई डिश लेकर के आपके सामने आई हूँ। गोभी आजकल 12 मास आती है, लेकिन एक ही तरह की गोभी खाते खाते सूखी या रसेदार, तो इसमें कुछ वेरिएशन है। हालांकि ये कोई नई रेसिपी नहीं है, ये बहुत पुरानी रेसिपी है, लेकिन लॉस्ट हो गई है, कुछ लुप्त प्राय रेसिपी है, क्योंकि मैंने बहुत कम लोगों को सुना है कि वो इस तरह से बनाते हैं। तो आप में से बहुत से लोगों ने बनाई भी होगी और बहुत से लोगों ने नहीं बनाई होगी, तो चलिए आज शुरू करते हैं। दादी नानी के जमाने की एक नई रेसिपी, अब नई बोलेंगे क्योंकि बहुत दिन बाद बना रहे हैं, तो नई सी लग रही है। तो गोभी की एक भुजिया, रसेदार भुजिया सब्जी बनती है जो बहुत टेस्टी होती है। बच्चों को भी बहला दिया है कि कुछ बेटा ये मोमो से मिलती जुलती है, तो वो भी खुश है। तो देखिए, ये गोभी मैंने ली थी, इसके फिलेट्स को मैंने ऊपर का ऐसे ऐसे काट लिया, और इसका कोई भी पार्ट फेंकना नहीं पड़ता है। सबसे अच्छी बात यह है कि ऐसा नहीं कि इसको हमने फेंक दिया। तो इसको ऐसे फिलेट्स काट लिए महीन महीन ऊपर के, और इसको छोटे छोटे टुकड़ों में ये, और यहाँ मैंने 2 आलू लिए हुए हैं, ये देखिए ऐसे काट के, ये 2 टमाटर नाइसली डाइस्ड है, चॉप्ड है, और ये एक प्याज है छोटा, ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये धनिया, ये मिर्च, ये महीन कटी हुई मिर्च, जीरा और हींग भी इसमें है। तो चलिए शुरू करते हैं गोभी की गुजिया। तो आइए, तो जैसे देख रहे हैं कि आप, तेल गरम हो गया है, इसमें मैं थोड़ा सा प्याज डाल रही हूँ, थोड़ा सा बिल्कुल लिटिल बिट, और थोड़ा सा मैं जीरा डाल रही हूँ। इसके बाद मैं इसमें थोड़ी सी हींग डालूंगी, देखिए हींग, थोड़ा प्याज लाल हो जाए। लाल हो गया लगभग प्याज थोड़ा, और इसके बाद मैं इसमें थोड़ी हींग डाल रही हूँ, क्योंकि गोभी थोड़ी बादी होती है, हींग का टेस्ट भी अच्छा आता है, बहुत अच्छा एरोमा है, और प्लस इसके बादीपन को भी कम करती है हींग। ये मैं इसमें थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ, थोड़ा सा लिटिल बिट, अब मैं इसमें थोड़ा सा ये कटा हुआ हरा मिर्च भी डालूंगी, आप अपने हिसाब से इसको डाल लेंगे। थोड़ी सी इसमें अब आप डालें इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर, पाउडर हो गया, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा पिंच ऑफ रेड चिली पाउडर, देखिए अच्छे से मसाला भुन रहा है, खुशबू भी आ रही है इसमें, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये गोभी की सब्जी बच्चों को बहुत अच्छी लगती है, और ये कि गोभी इतनी आती है तो रोज ही एक सी सब्जी बनाने से ये थोड़ा डिफरेंट हो जाती है, तो लगता है हाँ कुछ स्पेशल बना हुआ है। हालांकि एक नॉर्मल सी है, लेकिन फिर भी लगता है कि बच्चों को भी कि हाँ कुछ डिफरेंट बनाया मम्मा ने। तो ये देखिए, ये जो मैंने फिलेट्स काटे थे महीन महीन, वो मैं इसमें डाल रही हूँ। अब इसको आपको कायदे से इसको भूनना है, धीमी आंच पे इसको भूनना है, थोड़ा सा नमक मिलाना है, थोड़ा भून जाए तब नमक मिलाऊंगी। अब ये जितनी अच्छी भुनी जाएगी उतनी अच्छी टेस्टी लगेगी, उसमें भर के थोड़ा सॉफ्ट भी हो जाएगी। मैं ढक देती हूँ इसको,
और फिर इसके बाद में थोड़ा सा नमक मिला के इसको तैयार कर लूंगी। आप इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं, बिल्कुल जरा सा, इससे वो भी गल जाए, क्योंकि बनाना तो इसको सूखा ही है, लेकिन पानी आप डाल सकते हैं जिससे कि गोभी गल जाए, बिल्कुल जरा सा, लिटिल बिट ऑफ वाटर यू कैन ऐड। हाँ देखिए, ये आप सब्जी काफी अच्छी, ये जो भरावन है इसका, ये फिलिंग्स बहुत अच्छी बन गई है, इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, तो ये तैयार है। अब मैं इसको अभी भर के आपको दिखाती हूँ, और मैं आपको बता दूँ कि मुझे आपके सब्सक्रिप्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, तो मेरा हौसला बढ़े, प्लीज़ 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 आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए ये बन गई है, और अब मैं दिखाती हूँ कैसे इसकी फिलिंग करेंगे। तो ये मैंने एक बड़ी सी रोटी बेल करके उसकी इस तरह सी कटोरी जो जिसकी ये अच्छी हो उससे काट लिए हैं ये गुजिया के लिए। अब देखिए मैं इसकी फिलिंग को बनाती हूँ, आप इसमें से थोड़ी सी ये लीजिए, ये, और इसको ठीक जस्ट लाइक गुजिया की तरह आप इसको दबा दीजिए, किनारे अच्छी तरह से बंद करिए जिससे ये खुलने ना पाए। अगर आपको लगता है कि ये ठीक से नहीं चिपक रही है इसका, हाँ मैंने आपको ये नहीं बताया, इसका जो आटा है वो जस्ट रोटी की तरह मुलायम और वैसा पीसे है, बिल्कुल सॉफ्ट आटा सनेगा रोटी की तरह, ना गीला ना बहुत सूखा, तो सेम रोटी वाला ही आटा है ये, तो उसी का है मैं बना रही हूँ। ये देखिए, अगर आपको ज़रूरत लगे तो ऐसे पानी लगा के किनारे पे ऐसे भी लगा सकते हैं जैसे हम लोग गुजिया में लगाते हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि ये खुलेगी, क्योंकि आटा बहुत सॉफ्ट है और दोनों मिल जाते हैं किनारे अच्छी तरह। तो जैसा कि देख रहे हैं आप, तेल गर्म हो गया, इसमें मैं थोड़ा सा प्याज डाल रही हूँ। अब मैं इसकी ग्रेवी बनाने जा रही हूँ, बची हुई सब्जी जो फिलेट्स के ऊपर वाले के बाद जो बचे थे उनकी एक तरह की ग्रेवी वाली सब्जी डालूंगी, बनाऊंगी। तो देखिए आप इसमें, ये मैंने प्याज डाल दिया, प्याज अच्छे से हो रहे हैं। ये सब्जी चावल के साथ भी बहुत अच्छी लगती है, सादे चावल और रोटी के साथ भी आप खाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा और लगेगा कि हाँ कुछ समथिंग डिफरेंट है, बच्चे भी पसंद करेंगे गोभी को, और कुछ अलग से आपको चाहिए नहीं, वही चीज़ें हैं, बस तरीका थोड़ा सा चेंज है, कोई चीज़ आपको एक्स्ट्रा बाज़ार से नहीं लानी है, रेडली अवेलेबल जो भी चीज़ें आप सब्जी बनाने के लिए चाहते हैं सिर्फ वही चीज़ें, इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ ऐसी नहीं कह रहे ये नहीं है मैं कैसे बनाऊं। तो बस अगली बार जब आप गोभी लाएंगे तो आप ऐसी सब्जी बनाइएगा। तो देखिए प्याज हो गया है लाल, एक टिप्स बताती हूँ प्याज को जल्दी लाल करने के लिए, आप इसमें थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं, ऐसे करके आप नमक डाल दीजिए तो जल्दी वो लाल होता है, ये एक टिप्स है आपके लिए। पर ये है कि इसके लिए आपको नमक का ध्यान भी रखना है, लास्ट में आपको कितना डालना है नमक ये ध्यान रखना है। ये देखिए ब्राउन हो गया है प्याज, अच्छे से ब्राउन हो गया है। अब मैं इसमें डालती हूँ ये पेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट, जैसे कि आप देख रहे हैं ये लहसुन अदरक का पेस्ट अच्छे से हो गया है, पक गया है। मैं इसमें दो टमाटर जो मैंने काटे वो मैं डाल देती हूँ, और इसी समय मैं इसमें हल्दी पाउडर हमारे मसालों में बहुत खासियत है, हल्दी धनिया ये सब बहुत फ़ायदेमंद मसाले हैं जो इंडियन कुजीन में यूज़ होते हैं, इनकी बहुत मेडिसिनल वैल्यू है, तो ये मसाले नुकसान ही नहीं करते, बहुत फ़ायदा करते हैं।
ये मैं डालूंगी थोड़ा सा धनिया पाउडर, और इसमें मैंने डाला थोड़ा सा ये मिर्च पाउडर, देखिए अच्छा हो रहा है बढ़िया मसाला आपको लग रहा होगा। थोड़ा सा मैं और इसका जो है थोड़ी देर और पकाऊंगी, आपको इसकी खुशबू से ही लगेगा कि इसका कच्चापन चला गया और ये मसाला पकना पक गया है, तो और इसके कलर से भी आपको समझ में आ जाएगा इसका टेक्सचर अगर सॉफ्ट हो गया है टमाटर। थोड़ी देर मैं ढक देती हूँ इसको, फिर थोड़ा सा आपको डालना है। तो आप देख रहे हैं मसाला काफ़ी अच्छा सा भुन गया है, ये देखिए कलर भी अच्छा आया है। अब मैं इसमें ये जो मैंने आलू और ये फिलेट्स काटे थे गोभी के, इसको डाल देती हूँ। थोड़ा सा इसको भी डाल के भुनना है हमें, 3-4 मिनट ढक ढक के इसको पकाना है, थोड़ा भुनना पड़ेगा। ये देखिए देख रहे हैं आप इतना सुंदर सा कलर भी आ रहा है। और इसको आप इसको थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा आपको। ये देखिए आप सब्जी इसमें ये आलू और गोभी काफ़ी जो है इसमें भुन गई है, सब्जी काफ़ी भुन गई है। मैं कभी कभी आपको बता दूँ धनिया पत्ती जो लाती हूँ उसमें जो मोटी वाली पीछे की डंठल होती है इस टाइप की, मैं इसको फेंकती नहीं हूँ, इसको भी महीन महीन काट के सब्जी के पत्ते से मैं डाल देती हूँ, तो वो जो है वो भी अच्छी लगती है, तो उसको फेंकिए नहीं, इसी में आप डाल सकते हैं। अब इसमें मुझे पानी मिलाना है ग्रेवी के लिए, और ये देखिए मैंने इसमें पानी मिला दिया है। और मैंने इसमें नमक ऑलरेडी थोड़ा सा और उस समय डाला था मैंने प्याज के समय, इसलिए मैं थोड़ा सा नमक और डाल दिया मैंने इसमें। अब जैसा कि आप देख रहे हैं ये सब्जी पक गई है, काफी पक गई है। अब इसमें हम ये जो हमने बनाई हुई है गोभी की गुजिया, दिखाइए ये गोभी की गुजिया हमने बनाई हुई है, ये मैं डाल रही हूँ इसके अंदर। ये इस रसे में कम से कम 5 मिनट पकेंगी। देखिए इस रस्से में 5 मिनट पक जाएगी। और इसको आप कम से कम 5 मिनट के लिए ढक के रख दीजिए जब तक कि ये गुजिया इसमें पक जाए। तो ये देखिए आप ये सब्जी बिल्कुल तैयार हो गई है, ये देखिए आप बहुत बढ़िया ये सब्जी तैयार हो गई है। और अब इसमें थोड़ा सा हमें गरम मसाला मिला रही हूँ, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा आप अपने हिसाब से देख लीजिए, हम लोग थोड़ा गरम मसाला पसंद करते हैं, तो मैंने थोड़ा सा गरम मसाला मिला दिया इसमें। और इसको हिला चला करके ये बिल्कुल तैयार है। तो देखिए ये सब्जी तैयार हो गई है, बिल्कुल बहुत सुंदर आई है ये देखिए। और इसके साथ में मैंने चावल बनाया है और साथ में रोटियां, तो इस तरह से आप इसको इस सब्जी को ट्राई कीजिए, मैं भी ट्राई करती हूँ, और मुझे पूरा भरोसा है कि आपको बहुत पसंद आएगी। मेरे चैनल को प्लीज़ 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 ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा,
थोड़ा सा मुझे भी हौसला मिले कि हाँ मैं भी कुछ कर पाई हूँ। थैंक यू, नमस्कार, शुक्रिया, शुभ रात्रि।